दोस्तों सैमसंग ने अपना एस लाइनअप का फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है गैलेक्सी एस लाइट लग्जरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये फोन वन प्लस 6 को थोड़ी सी भी टक्कर दे सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एंड टेक्निकल। दोस्तों ऐसे ऑल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस करके जरूर जाइएगा। दोस्तों कई दिनों से रूमर्स ये चल रहे थे कि सैमसंग अपना एस सेट का लाइट वर्जन या फिर एस नाइन का लाइट वर्जन लॉन्च करने वाला है, लेकिन जो फोन सैमसंग चाइना में लेकर आया है उसको इन्होंने नाम दिया है गैलेक्सी एस लाइट लग्जरी। दोस्तों इस फोन की स्पेक्स की बात करें तो जो पिछले साल सैमसंग ने अपना फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया था एस सेट, लगभग उसका दूसरा वर्जन ये फोन लेकर आया है सैमसंग, क्योंकि हूबहू आपको वैसा ही डिजाइन, वही कैमरा प्लेसमेंट और वही फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट आपको बैक साइड में मिलता है, जो कि आपको एस सेट में देखने को मिला था। दोस्तों इसमें आपको 5.8 इंचेस की फुल एचडी की डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है एक फुल विजन डिस्प्ले आपको इसमें मिलने वाली है, जो कि हमें एसेट में भी देखने को मिली थी, लेकिन प्रोसेसर इसका थोड़ा सा अलग है। एसेट में आपको मिलता था 835, लेकिन इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का 660। वैसे देखा जाए तो ये भी एक पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन 835 से तो नीचे ही है। दोस्तों फोन के कैमरास की बात करें तो इसका रियर साइड का जो कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का और 1.7 अपर्चर के साथ आता है, और फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का, दोनों ही साइड आपको एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलेगा। 3000 एमएएच की आपको इसमें बैटरी मिलने वाली है। एंड्रॉयड 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में आपको मिलने वाला है। दोस्तों वैसे तो नाम दिया है सैमसंग ने इसे एस लाइट, लेकिन जो भी सैमसंग अपने फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन में फीचर देता है, जैसे कि बिक्सबी का बटन और आयरिस स्कैनिंग, फेस अनलॉक, वो सभी फीचर्स आपको इस फोन में भी मिलने वाले हैं। और इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वही प्लेसमेंट इन्होंने एस लाइट में भी रखी है, जो कि इन्होंने एस सेट में रखी थी कैमरा के बाजू में। दोस्तों ये स्मार्टफोन अभी इन्होंने चाइना में ही लॉन्च किया है और वहां पे इसकी कीमत रखी है इन्होंने 3999 युआन। तो इसे कन्वर्ट करते हैं अगर इंडियन करेंसी में तो 42,700 के करीब ये निकल के आती है इसकी कीमत, जो मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है इसके प्रोसेसर के हिसाब से, क्योंकि 660 प्रोसेसर कोई इतना हाई एंड प्रोसेसर भी नहीं है। हालांकि कंपनी का जो एसेट फ्लैगशिप फोन है वो कुछ ऑफर्स के हिसाब से हमें 38,000 का मिल रहा है कई वेबसाइट्स पे। तो अगर हम इसे वन प्लस 6 से कंपेयर करें तो वन प्लस 6 काफी बेटर फोन है इसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से और उसकी स्पेक्स के हिसाब से। आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 मिल रहा है, कैमरास भी ड्यूल मिल रहे हैं उसके रियर साइड में, और लगभग 40,000 में आपको 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट वन प्लस दे रहा है, जबकि इसकी स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज आपको इस वेरिएंट में एस लाइट में मिलने वाली है। दोस्तों फोन की स्पेक्स और प्राइस के हिसाब से तो वन प्लस बाजी मार जाता है, लेकिन अगर आप सैमसंग लवर हैं, सैमसंग के फोन ही पसंद करते हैं, तो ये फोन आपके लिए हो सकता है। फिलहाल अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जब भी ये इंडिया में लॉन्च होगा इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।